ये देखो यार कितना क्राउड हो रहा है। मैं तो यार बस यही सोच रहा हूँ कि ये जो फ्यूल है ना ये बस पेट्रोल पंप तक चल जाए। लेकिन थोड़ा भारी नुकसान हो गया हमारा यार। सबसे पहले यार आप सभी को गुड मॉर्निंग, स्वागत है एक और नए व्लॉग में। तो आज का जो व्लॉग है वो एक ऐसी चीज पे होने वाला है जिससे मैं तुम या हर कोई हर एक बच्चा गुजरा हुआ है, या तो बचपन में गुजरे होगे या तो अभी तक गुजर रहे होगे। तो खैर आज की वीडियो होने वाली यार एग्जाम पे। यार शायद आपको ना पता हो मैं फिल्म मेकिंग के साथ साथ BCA भी कर रहा हूँ, एंड जो आज मेरा है BCA का एग्जाम है BCSE 11, यानी कि कंप्यूटर। पढ़ा तो कुछ नहीं है मैंने पढ़ा कुछ नहीं है, है ना, लेकिन देखते हैं, एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। मेरा वैसे मन नहीं था कि एग्जाम दे के भी आऊँ मैं, लेकिन फिर मम्मी ने बोला कि कम से कम एग्जाम दिया जाके, तो मैं ठीक है यार एग्जाम दे आते हैं। पता तो है नहीं कुछ क्या कर लिखना है क्या नहीं लिखना है, उसी का आज तुम्हें जो है एक ब्लॉग देखने के लिए मिलेगा छोटा सा। अब मैं नहीं बता सकता कितने मिनट का होगा या कैसा होगा, है ना, क्योंकि मैं एक एग्ज़ाम जो है मेरा पहले हो चुका है ना, इंग्लिश का एग्ज़ाम था वो हो चुका है, उस टाइम मैंने ब्लॉग नहीं करा था, मुझे पता नहीं था क्या होता है क्या नहीं होता, तो मैंने सोचा पहले देख लेता हूँ फिर बनाऊँगा। तो आज तुम्हें मिलने वाला है एग्ज़ाम का ब्लॉग, वो BCA स्टूडेंट का। और मैं बता दूँ मैं BCA कर रहा हूँ इग्नू से, है ना, ओपन से कर रहा हूँ, यानी कि सबसे पहले थोड़ा सा नाश्ता करूँगा, नीचे जाके चाय वाय पीऊँगा और स्कूटी उठा के सीधा निकल लेंगे। छत पे है ना पानी भरा पड़ा हुआ है यार, और ये कचरा जो देख रहे हो ना सारा होली का जमा है, इकट्ठा तो कर दिया था फिर मैं फेंकना भूल गया और ऐसे ही रह गया, कोई नहीं आज फेंक दूँगा ऐसे में। तो चलते हैं नीचे चाय पी के फिर निकलेंगे। तो भैया नाश्ता तो हो चुका है और सीढ़ियाँ उतर रहा हूँ जल्दी 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 जल्दी। ये अपना मेन गेट, ये रही अपनी स्कूटी। तो भैया मैंने अपनी यहाँ पर स्कूटी पार्क कर दी यहाँ, एंड ये उधर जो है कॉलेज है, ये अपना विक्रांत है। तो यार मैं अभी पहुँच चुका हूँ अपने एग्ज़ाम सेंटर पे जो कि श्यामलाल है, एंड 15 मिनट में हमारी जो है एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। 45 हो चुके हैं, 9:45, एंड 10 बजे जो है हमारा एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। तो निकलते जल्दी से, पहले रोल नंबर भी देखना होगा और बाकी तो मैं दिखाता हूँ वहाँ पर कितना क्राउड वगैरह है। ये देखो यार कितना क्राउड हो रहा है, और ये लिस्ट जो है ना, यहाँ लिस्ट लगी हुई है रोल नंबर वाली सारी की सारी, और रूम लिखा हुआ है कौन से रूम में तुम्हें बैठना है। तो भाई ढूंढने में तो काफ़ी टाइम लगने वाला है यार। तो भैया यार मेरे को जो है रोल नंबर मिल चुका है अपना, कहाँ है, तो मेरे को गैलरी में बैठना है, तो जल्दी से बैठते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम दूंगा, उसके बाद मिलूंगा तुम्हें, क्योंकि जो फ़ोन है वो सबमिट हो जाते हैं एग्ज़ाम के टाइम में। ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर। तो फाइनली यार एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो चुका है। 1 घंटे में मैंने एग्ज़ाम दे दिया, कुछ आता तो था नहीं, जो समझ में आया मैंने लिख दिया। फिर भी मेरा दोस्त जो है अंदर अभी भी बैठा हुआ है, वो एग्ज़ाम दे रहा है, एंड मेरे को ज़रा इंस्टीट्यूट निकलना है, तो निकलते हैं जल्दी से। तो भैया अभी तो मैं निकल चुका है अपने घर के लिए, घर जाऊंगा, एंड उसके बाद फिर मुँह हाथ धो के जल्दी फिर इंस्टीट्यूट निकलना है, तो जल्दी जल्दी घर पहुँच जाऊँगा। इसमें 15-20 मिनट तो लगेंगे कम से कम अभी।
जाम अलग हो रहा है, रेड लाइट हो रखी है। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं अपने घर और मैं फ्रेश होकर आई कार्ड वगैरह उठा लिया मैंने और निकल रहा हूं यहां से। भैया जल्दी जल्दी मैंने अपनी जो स्कूटी है यहां पार्क कर दी थी एंड चलते हैं जल्दी। भैया मैं निकल चुका हूं यार इंस्टीट्यूट के लिए एंड गाड़ी में यार फ्यूल जो है वो भी काफ़ी कम है, तो फ्यूल भी भरवाना है और 15-20 मिनट में पहुँच जाऊँगा। यार रेड लाइट मुझे बड़ा तंग करती है यार, और यार आज का दिन भी है ना काफ़ी गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है। मैं तो यार बस यही सोच रहा हूँ कि ये जो फ्यूल है ना ये बस पेट्रोल पंप तक चल जाए, कहीं रास्ते में बंद हो गया तो धक्के धक्के देके चलाना पड़ेगा। भैया फ्यूल तो मैंने डलवा लिया लेकिन थोड़ा भारी नुकसान हो गया हमारा यार, मेरे जेब में 160 रुपये पड़े हुए थे टोटल, जिसमें से 60 रुपये अपने आप गिर गया, मैंने ध्यान भी नहीं दिया वो पैसे कहाँ गिर गए, मैं पेट्रोल के लिए लाया था वो पैसे, कोई नहीं चलो हो गया नुकसान तो अब हो गया। चलो अब मैं मिलता हूँ तुम्हें सीधा इंस्टीट्यूट में। पहुँच चुका हूँ अपने इंस्टीट्यूट और कोई नहीं 60 रुपये गिरे गिरे कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 100 रुपये तो बचे रह गए थे मेरे, है ना, फ्यूल उससे डलवा लिया था मैंने। एंड बस आज के ब्लॉग में इतना ही, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना एंड नीचे एक अपना प्यारा सा कमेंट छोड़ देना कि कैसी लगी आज की आपको ये वीडियो, काफ़ी फास्ट वीडियो ब्लॉग था ये मेरे हिसाब से। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो और ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।